अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैरिश और आज हमारा टॉपिक है रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। जब मैं किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि किडनी के बारे में हम पढ़ते हैं कि किडनी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब मैंने बताया था कि जब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो तब भी उसमें हम नेफ्रॉन के लेवल पर उसको स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, और फंक्शनली भी हम उसको नेफ्रॉन के लेवल पर पढ़ते हैं। हमें पता है किडनी का फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है वो नेफ्रॉन के लेवल पर होती है। वो होती है चार स्टेप्स में या चार प्रोसेसेस में। उसको ब्रीफ करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। हम जानते हैं कि यूरिन बनता है ब्लड की फिल्ट्रेशन से, और हमें ये पता है कि कितना ब्लड होता है बॉडी के अंदर, 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। और हमें एक वैल्यू बताई जाती है कि हर दिन ईच डे कितना ब्लड किडनी से फ्लो होता है, उसकी वैल्यू होती है 1100 to 1200 liters। ब्लड कितना था, सिर्फ 5 to 6 लीटर, लेकिन हर दिन किडनी के अंदर इतना सारा ब्लड कैसे आता है? इसका क्या मतलब हुआ कि ब्लड जो है वो किडनी से तकरीबन आप समझें 200 से भी ज़्यादा दफ़ा किडनी से वो फ़्लो करता है एक दिन में ब्लड। तो वो इतना ज़्यादा फ्लो करता है, इसी वजह से वो 1200 to 1100, हमने उसको 1100 to 1200 liters ऑफ ब्लड हम कहते हैं कि वो एक दिन में फ़्लो करता है। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि 180 liter ऑफ फिल्ट्रेट जो होता है वो कलेक्टिंग डक्ट और नेफ्रॉन्स के अंदर होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 1100 to 1200 liters ब्लड फ्लो करता है उसमें से कितना जो है वो फ़िल्टर होता है, सिर्फ 180 liter होता है फ़िल्टर कलेक्टिंग डक और नेफ्रॉन्स के। नेफ्रॉन्स हमें पता है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन की बात नहीं हो रही, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन की बात हो रही है, और बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स की बात हो रही है। टोटल उसके अंदर जो मवाद होता है, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। जब वो ब्लड से फिल्टर हो जाता है तो उसको फिल्ट्रेट कह देते हैं। वो कितना होता है, 180 liter। और जब वो यूरिन बन के निकलता है तो वो सिर्फ 1 to 2 liter होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास तकरीबन समझे 178 to 179 liter ऑफ जो फिल्ट्रेट था वो क्या हुआ, वापस रीअब्सॉर्ब हो गया। यानी कि सिर्फ यूरिन कितना गया, 1 to 2 liters गया। यानी आप समझें कि कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन हो रही होती है किडनी के अंदर। जो फिल्टर भी होता है, फ़िल्टर कितना होता है, 180 होता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 1 to 2 liter यूरिन बन के पास होता है। तो यानी इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट तो वापस ब्लड के अंदर ही चला जाता है। अब ये सब किस तरह से होती है, किस तरह से फिल्ट्रेशन होती है, यूरिन किस तरह से बनता है, इसको हम चार प्रोसेस के ज़रिए पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रोसेस होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीअब्सॉर्प्शन, तीसरा होता है ट्यूबुलर सेक्रीशन, और चौथा होता है काउंटर करंट एक्सचेंज। इन सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। सबसे पहला प्रोसेस है तो ये होगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर ये था पहला स्ट्रक्चर हमारे पास बोमेंस कैप्सूल, और ये हो गई हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल। मैंने ये सब स्ट्रक्चर वाले स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में सब एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद ही ओपन होता है पहले कैपिलरी नेटवर्क के अंदर जो कि कहलाता है ग्लोमेरुलस, और उसके बाद ही ओपन होता है एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर। सबसे पहले कहाँ पे एक्सचेंज होगा, सबसे पहले कैपिलरी नेटवर्क यानी ग्लोमेरुलस के अंदर जो है वो यहाँ पे हमारे पास एक्सचेंज होगा, या फिर सबसे पहले जो फिल्ट्रेशन है वो यहीं पे होगी। इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसमें फ़िल्टर होते हैं। अभी हम उस पर ही बात करते हैं, पहले आप इसको समझें कि होती किस तरह से। अगर हम एक्सचेंज वाली जगह को थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो हमें यहाँ पर क्या दिखेगा, ये हमें दिखेगी कैपिलरी वॉल, और ये हमें दिखेगा मेम्ब्रेन दिखेगी इस वुमेंस कैप्सूल की। हम देख सकते हैं कैपिलरी वॉल तो होती है, उसकी नेचर इस तरह की होती है कि उसमें से आराम से चीज़ें एक्सचेंज हो सकें, उसके अंदर स्पेसेस होती हैं। तो हमारे पास जो वुमेंस कैप्सूल होता है उसकी भी कुछ इसी तरह की नेचर होती है कि वो सीव लाइक होता है। सीव लाइक का मतलब है कि वो जो होगा वो उसमें स्पेसेस होंगी या फिर जालीदार होगा। सीव मतलब जो छलनी होती है ना, उसको कहते हैं सीव। तो इस तरह का होता है जिसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ से फ़िल्टर होकर किसके अंदर चली जाती हैं, जो फ्लूइड ब्लड से पास होके इसमें आता है उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ यानी कि एक्सचेंज होके सब्सटेंसेस यहाँ से फिल्ट्रेट के अंदर आ जाते हैं। सारी चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ से एक्सचेंज हो जाती हैं सिवाय दो चीज़ों के। क्या चीज़, ए और बी। वो ए और बी क्या है, ए मतलब के प्लाज्मा प्रोटीन, बी मतलब के ब्लड सेल। यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स जो होते हैं वो एक्सचेंज, यानी कि वो यहाँ से पास नहीं हो सकते, अपने साइज़ की वजह से भी और दूसरी रीजंस की वजह से भी। अच्छा, तो अब आप सोचोगे कि होता किस तरह से एक्सचेंज होती है। वैसे नॉर्मल जब आप कैपिलरी एक्शन पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि कैपिलरीज से नॉर्मली चीज़ें जो होती हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं टिशू के अंदर और टिशू से कैपिलरी के अंदर। लेकिन यहाँ पे कुछ फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है, फ़र्क होता है यहाँ पे दोनों आर्टेरियोल्स के डायमीटर का। याद कर लें, जो एफरेंट आर्टेरियोल होता है उसका डायमीटर होता है ज़्यादा, एफरेंट का होता है कम। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, इससे ये फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है इसके अंदर जो ब्लड है उसका प्रेशर, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब ये किस तरह से हो गया, अब इसको आप समझे एक चैम्बर के एग्जाम्पल्स है, ठीक है।
कोई, फॉर एग्जांपल ये एक चैम्बर है, एक इसकी ओपनिंग जो है उसका डायमीटर बड़ा है, एक बड़ी ओपनिंग है और एक का डायमीटर छोटा है। तो होगा क्या कि जब यहाँ से फ्लूइड इस चैम्बर के अंदर एंटर करेगा तो जो उसका दाखिली रास्ता है उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंटर करेगा और जो उसका एग्जिट पॉइंट है वहाँ से कम अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंटर करेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी जगह में जो है वो दाखिल होने का रश ज़्यादा होगा और जाने का रश कम होगा तो क्या होगा, इवेंचुअली जो बीच का हिस्सा है, जो चैम्बर वाला पार्ट है, उसके अंदर एक तरह से प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा जो है वो दाखिल हो रहा है पानी या फ्लूइड और कम कम जो है वो यहाँ से निकल रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप होगा, इस प्रेशर को हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। यही सेम केस होता है, यही सेम सीन होता है कहाँ पे, ग्लोमेरुलस के अंदर। यहाँ पे जो एफेरेंट आर्टरी होती है उसका डायमीटर बड़ा है, इसका डायमीटर और एफेरेंट का छोटा है। तो जब ब्लड यहाँ से आता है इस पार्ट के अंदर, इस कैपिलरी नेटवर्क के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से, और फिर जब यहाँ से एग्जिट करता है तो यहाँ से कम ब्लड एग्जिट करता है, यहाँ से ज़्यादा ब्लड एग्जिट करता है। तो यहाँ तो जो बीच का पोर्शन हुआ वहाँ पे क्या हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। जब प्रेशर बढ़ा तो इस बढ़े हुए प्रेशर की वजह से क्या होता है, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का और तकरीबन सारी चीज़ें एक्सचेंज हो जाती हैं, सारा फ्लूइड सब कुछ चला जाता है सिवाय प्लाज्मा प्रोटीन के और ब्लड सेल के। ये हो गई हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर दूसरा स्टेप होता है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि अब यहाँ पे क्या होगा कि वो जो फ्लूइड यहाँ फर्स्ट स्टेप से होकर आ रहा था, अब वो फ्लूइड नहीं, फिल्ट्रेट कहलाएगा। ये फिल्ट्रेट इन सारी ट्यूब्यूल्स से पास होगा। हमें पता है इन सारी ट्यूब्यूल्स की एक क्लोज एसोसिएशन है एक और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से, जिसका मैं पीछे बता चुकी हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा ब्रीफ करूँगी। यानी कि यहाँ पे क्या होगी, एक्सचेंज होगी। ये जो एक्सचेंज होगी इसको हम रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे। यानी ये एक्सचेंज होगी किस तरह की होगी कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से निकल के वापस सर्कुलेशन में जाएंगी। क्या क्या जाएंगी, हम सबसे पहले स्टेप वन देखते हैं, यानी कि सबसे पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है। जब यहाँ से फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर एंटर करता है तो हमारे पास क्या क्या होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर और सॉल्ट, बहुत सारी ये चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ से निकल के, फिल्ट्रेट से निकल के वापस सर्कुलेशन में जाती हैं। यानी कि जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज थी जो कि इसके साथ एसोसिएटेड थी, उनसे निकल के जो है वो क्या क्या, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और ये सारी चीज़ें वापस कहाँ चली जाएंगी, सर्कुलेशन के अंदर चली जाएंगी। ग्लूकोज को ज़रा माइंड में रखिएगा, मैं आगे इसकी इंपॉर्टेंस भी बताऊँगी। सही है, उसके बाद फिर जब ये सब हो गई रीअब्जॉर्प्शन, अभी यहाँ से कहाँ जाएगा फिल्ट्रेट, हमारे पास लूप ऑफ हेनले में जाएगा। उसकी पहली लिम होती है डिसेंडिंग लिम। जब वो डिसेंडिंग लिम में आता है तो यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है वाटर और सोडियम। वाटर और सोडियम यहाँ से निकल के सर्कुलेशन में जाता है किसके ज़रिए से, यहाँ की कैपिलरी से। कौन सी थी, वेजा रेक्टा, ठीक है। जब फिर वो जब यहाँ से निकल के जब असेंडिंग लिम की तरफ जाता है तो असेंडिंग लिम में जो होता है कोई वाटर, वहाँ से वाटर नहीं निकल सकता क्योंकि वाटर को इम्परमेबल, असेंडिंग लिम जो होती है वो वाटर से इम्परमेबल होती है, वाटर के लिए इम्परमेबल होती है। डिसेंडिंग लिम इम्परमेबल नहीं होती, परमेबल होती है, इसलिए यहाँ से वाटर निकलता है, यहाँ से वाटर निकलता है। तो यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है सोडियम और क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड आयन कैसे निकलते हैं, एक्टिवली। एक्टिवली का क्या मतलब है कि यानी कि फिल्ट्रेट में ज़्यादा थे, बाहर कम थे, लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ पे फिल्ट्रेट ने जो है वो अपनी एनर्जी लगा के सोडियम और क्लोराइड को यहाँ से बाहर फेंक दिया। ये अपने स्टेप्स याद रखने, यानी ये बातें याद रखनी है कि यहाँ से क्या निकलता है और यहाँ से क्या निकलता है, इसकी आगे इंपॉर्टेंस मैं काउंटर करंट एक्सचेंज में आपको समझाऊंगी। सही, ये हो गया। उसके बाद जब यहाँ से डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जा रहा होता है, यानी स्टेप फोर, तो यहाँ पे किस तरह का बन चुका होता है, इसकी नेचर क्या होती है, ये हाइपोटोनिक फ्लूइड बन चुका होता है। कैसे कि भाई यहाँ से वाटर निकला, ठीक है, वाटर यहाँ से निकल गया, उसके बाद ये कैसा हो गया, जब वाटर यहाँ से निकल गया तो सॉल्यूट तो नहीं निकला, सॉल्यूट थोड़ा सा निकला, तो ये हाइपरटोनिक हो जाता है जब यहाँ पर आता है। फिर जब यहाँ से यहाँ जाता है तो यहाँ से वाटर नहीं निकला, यहाँ से सिर्फ सॉल्यूट निकला। तो क्या हुआ कि जो वाटर इसके अंदर पहले से था वो तो नहीं निकला लेकिन सॉल्यूट निकल गया, यानी कि अब ये हाइपरटोनिक से कैसा हो जाता है, हाइपोटोनिक हो जाता है, ठीक। तो जब फिर उसके बाद ये जो हाइपरटोनिक फ्लूइड होता है वो कहाँ जाता है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जाता है और फिर यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाता है। ये दो वो इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती हैं जो आपने याद रखनी है कि हमारे पास यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, यहाँ पे हमारे पास हार्मोन एक्ट करेंगे। कौन से वो मैं आगे बताऊँगी, बस आपने अभी याद रखना है कि यहाँ पे हार्मोन्स एक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या एडजस्ट होते हैं, आयंस एडजस्ट होते हैं, सॉल्यूट्स एडजस्ट होते हैं और यहाँ पे वाटर एडजस्ट होता है, क्योंकि जब यूरिन बाहर निकलेगा तो उसको हाइपोटोनिक नहीं होना, उसमें कम से कम पानी हमने खारिज करना है, ये मैं आगे समझाऊँगी। रीअब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास होता है ट्यूबुलर सेक्रेशंस। पीछे मैंने क्या बताया था, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फिल्ट्रेट से निकल के ब्लड में वापस एंटर होती हैं तो उसको हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो
ब्लड से या सर्कुलेशन से निकल के फिल्ट्रेट में भी जा रही होती हैं। कौन सी चीज़ें होती हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं, स्पेशली वो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, जो कि शुरू में जब हमारे पास फिल्ट्रेशन हुई थी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो उसमें वो फिल्टर नहीं हो पाए थे। तो अब क्या होगा कि वो यहाँ से पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से निकल के डायरेक्ट फिल्ट्रेट में एंटर करेंगे ट्यूब्यूल्स में। कौन सी ट्यूब्यूल्स? प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में ये काम हो रहा होता है। क्या क्या चीज़ें होती हैं आप ये देख लें, आपकी आपने याद रखना है। क्या होता है हमारे पास, फिर यहाँ से सर्कुलेशन से क्या निकलता है, कौन से नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड, कैरेटिनिन और अमोनिया। ये क्या थे? नाइट्रोजनस वेस्ट थे जो कि हमारे पास कैसे जाते हैं? एक्टिवली जाते हैं। एक्टिवली का फिर से क्या मतलब है? यानी कि ब्लड के अंदर ज़्यादा है, फिल्ट्रेट के अंदर कम है। ब्लड के अंदर ज़्यादा है बट बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, हमें इनको एक्सक्रीट करना है बॉडी से बाहर। तो जाहिर सी बात है हम अपनी एनर्जी लगा के इसको एक्सक्रीट करेंगे, क्योंकि ये फिल्टर नहीं हुए थे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, इसलिए अब हम इसको यहाँ डायरेक्टली ट्यूब्यूल्स के अंदर भेज के फारिग करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं? एक्टिवली इसको फिल्ट्रेट के अंदर एंटर करते हैं, डायरेक्टली ब्लड से निकलता है और फिल्ट्रेट के अंदर ये चला जाता है एक्टिवली। फिर उसके बाद दूसरी क्या होता है, ये जो स्टेप होता है, पहला ये दोनों ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रहा होता है, दूसरा भी दोनों ट्यूब्यूल्स के अंदर ही होता है। दूसरा क्या होता है हमारे पास, दूसरा हमारे पास ब्लड से क्या निकलता है? हाइड्रोजन और अमोनिया, वो निकलता है, लेकिन वो डायरेक्टली पहले फिल्ट्रेट के अंदर नहीं जाता, बल्कि पहले इन स्पेसेस में चला जाता है जिनको इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं या मेडुलरी स्पेसेस कहते हैं। पहले वो इनके अंदर जाता है, उसके बाद फिर वो यहाँ से फिल्ट्रेट के अंदर एंटर होता है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ब्लड हाइड्रोजन और अमोनिया अपने अंदर से क्यों निकालता है? ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्यों निकालती हैं? क्योंकि उसकी मदद से क्या करती हैं, ब्लड अपना एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है। तो आपको याद होना चाहिए कि ब्लड अपना एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में किडनी में क्या एक्सक्रीट करता है, वो है हाइड्रोजन और अमोनिया।